बादल छट जाएंगे, संकट सारे कट जाएंगे, होना कभी निराश नहीं तू मन में आस जगा। आएंगी जरूर खुशियाँ, आएंगी जरूर खुशियाँ, डॉक्टर दीपक आचार्य के संग। चर्चा कर रहे हैं हम आयुर्वेद के ऊपर। आयुर्वेद और ज्योतिष एक ऐसा संगम है जो एक दूसरे के पूरक है। आयुर्वेद पूरा करता है ज्योतिष को और ज्योतिष पूरक है आयुर्वेद का। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो केवल एक खास समय में एक खास नक्षत्र में ही बनाई जाती हैं। आंखों की एक ऐसी दवाई है जो केवल और केवल रेवती नक्षत्र में ही बनती है। ऐसी बहुत सारी दुर्लभ जानकारियां हैं ज्योतिष और आयुर्वेद के बारे में। ये वीडियो आयुर्वेद और ज्योतिष का एक मिश्रण है। प्लेलिस्ट का नाम भी यही है, आयुर्वेद और ज्योतिष। ये दूसरी वीडियो है, चर्चा कर रहे हैं वात पित्त और कफ के बारे में। वात पित्त और कफ और आयुर्वेद, किस प्रकार से वात पित्त कफ और आयुर्वेद आपके लिए सहायक होता है, किस प्रकार से वात पित्त कफ आपको ज्योतिष के सहारे से भी लाभ दे सकता है। पहले समझना होगा वात पित्त कफ है क्या। वात है वायु, पित्त है अग्नि और कफ है जल। अब ये तीन ही चरण हैं अगर मैं बात करूं आयुर्वेद की। और ज्योतिषी ग्रह है नौ, तो अगर नौ ज्योतिषी ग्रह हैं जिसमें सात पूर्ण ग्रह हैं और दो छाया ग्रह हैं, उनको अगर इनसे डिवाइड करें, नाइन को विभाजित करें तीन से, नौ बटा तीन करें, तो तीन तीन ग्रह हर श्रेणी के हिस्से में आएंगे। तीन ग्रह होंगे वात के, तीन ग्रह होंगे पित्त के और तीन ग्रह होंगे कफ के। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वात के वायु के जो ग्रह हैं वो हैं शनि, राहु और बुध। कफ के जो ग्रह हैं वो हैं चंद्रमा, शुक्र और गुरु। कफ माने जल। और तीसरे चरण पे अगर मैं बात करूं तो तीसरे चरण पे बात कर लेते हैं हम पित्त की, आग की। आग के जो ग्रह हैं वो हैं सूर्य, मंगल और केतु। एक बार पुनः दोबारा से अगर आप पित्त को विचार करेंगे, अग्नि को विचार करेंगे, तो उसके ग्रह हैं सूर्य, मंगल और केतु। वायु के ग्रह हैं शनि, राहु और बुध। और अगर कफ की बात करूं तो कफ के ग्रह हैं चंद्रमा, शुक्र और गुरु। अब जरा हम इनकी श्रृंखला को समझते हैं, ओके। वात पित्त कफ किस तरह से आयुर्वेद में इन्हें अनुकूल किया जाता है। पहले बात करते हैं पित्त की, जो हमारे जीवन का निर्माण करती है। अग्नि से मनुष्य शरीर बनता है और अग्नि को चलाने के लिए सहायक होती है वायु। अब अग्नि अगर पित्त है, अग्नि अगर पित्त है तो वात है वायु, पित्त और वात दो मेजर पार्ट। अब उसी अग्नि को नियंत्रित करने के लिए कफ का प्रयोग किया जाता है। कफ है जल। अब जल में बात करते हैं हमारे शरीर में रक्त संचार जो भी है, जो हमने सात धातुएं डिस्कस की थी, जो हमने सात धातुएं चर्चा की थी, उसमें सबसे अहम रोल अगर किसी का है तो वो कफ का है, जल का है। अग्नि को चलाने के लिए वायु चाहिए, अग्नि को बुझाने के लिए जल चाहिए। क्योंकि अगर अग्नि ज्यादा बढ़ गई, आपके शरीर में पित्त प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ जाती है, तो आपके शरीर को ही जलाना शुरू कर देती है। अगर आपके शरीर में कफ प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ती है तो आपके शरीर की रासायनिक क्रियाएं बिगड़ जाती हैं और वो जहर का रूप ले लेती हैं। अगर आपके शरीर की वायु वात प्रवृत्ति बिगड़ जाती है तो शरीर सुचारू रूप से कोई कार्य नहीं कर सकता।
बचपन में हर मनुष्य को जरूरत पड़ती है बढ़ने के लिए बड़ी तेजी से कफ की, कफ प्रवृत्ति अधिक होती है। जवानी में पित्त प्रवृत्ति की जरूरत ज्यादा होती है और बुढ़ापे में, जब हमने बात कर ली है कफ की, बात कर ली है पित्त की, तो वात, बुढ़ापे में जब झुर्रियां पड़ जाती हैं, चमड़ी हमारी हड्डियां छोड़ देती है, तो जरूरत होती है उस समय वात की, वायु की। ग्रह कौन कौन से जुड़े हैं मैंने आपको बताया। अगर इन्हीं ग्रहों के समूह में से कफ की बात करूं तो शुक्र, चंद्रमा और गुरु में से अगर गड़बड़ होगी तो आपकी कफ प्रवृत्ति बिगड़ जाएगी। पित्त की बात करूं तो मंगल, केतु और सूर्य, ये बिगड़ जाएंगे। और अगर बात करूं मैं आपके शरीर में वात की, वायु की, तो ये बहुत गहरे में जुड़ी है बुध से, शनि से और राहु से। इनके क्या उपाय करने हैं, या आपके शरीर में कौन सी प्रवृत्ति जो है वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रही, उसके लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, ये आप मुझसे निजी रूप से जानकारी लेकर पूछ सकते हैं, अपनी सेहत के खजाने को बचा सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज छोड़ सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। मेरी टीम और मेरा पूर्णतः प्रयास यही रहता है कि जो भी जानकारी आपके सामने लाई जाए वो प्रत्यक्ष हो और प्रमाणित हो। मुझे प्यार देने के लिए, सहयोग देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।